हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी डेट। आज की क्लास में हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। हमें ज्ञात है कि किसी भी एग्ज़ाम को समझने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना चाहिए, जिससे उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में बहुत सहायता मिलती है और हम उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, गिरी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किन वन्य जीव एवं संरक्षण करता है, अर्थात जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो मुख्य रूप से किस जीव के लिए बनाया गया है। हमारे ऑप्शन है हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो शेर के लिए संरक्षण करता है। जो हमारा एशियाई शेर होता है वो गिर वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, और जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्रीन मफलर संबंधित होते हैं मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो यूपी टेट में ये 2016 में आया हुआ प्रश्न था। तो ग्रीन मफलर जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होते हैं। ये जो ग्रीन मफलर हैं एक प्रकार के पेड़ होते हैं, जो अशोक के पेड़ आपने देखा होगा, जो अशोक के पेड़ होते हैं शहरी इलाकों में रोड के किनारे जो अशोक के पेड़ लगाए जाते हैं। कारण ये होता है कि जो ध्वनि होती है वो ये पेड़ आसानी से उसे अब्जॉर्व करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस प्रक्रिया को हम ग्रीन मफलर कहते हैं, अर्थात अशोक के पेड़ों द्वारा जो ध्वनि होती है उसको, ध्वनि प्रदूषण को कम करना ही ग्रीन मफलर कहलाता है। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है और ये जो पेड़ होते हैं अशोक के पेड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है हमारे लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप ऊपर है और नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपने देखा होगा। तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका के मध्य में पाया जाता है, अतः इन दोनों को अलग करता है कौन, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। जो हमारे दिवस होते हैं ये यूपी टेट के एग्जाम में एक नंबर इससे पक्का होता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो खाद्य श्रृंखला होती है तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये उत्पादन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर इसके बाद शाकाहारी जीव जंतु पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें जो घास होते हैं हरे पेड़ पौधे उनको खाते हैं, अर्थात ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उपभोग मीन्स होता है खाने वाले, और प्राथमिक जो घास को खाते हैं हरे पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक होते हैं और उनको खाते हैं, इसलिए उपभोक्ता हैं वो। इसके बाद इनको खाने वाले मांसाहारी आ जाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, और इसके बाद जो किसी को नहीं खा सकते वो क्या, सर्वोच्च श्रृंखला का उपभोक्ता होता है। और अपघटन जो करता होते हैं ये क्या करते हैं, मृत्यु के बाद जीवों को अपघटन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। तो शाकाहारी जो किसी खास श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, अर्थात जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं चाहे वो नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या फिर अन्य कोई भी तत्व होते हैं, तो वो क्या हमेशा एक चक्रण में काम करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भू गर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, अर्थात सबसे कम ऐसा इन ऑप्शनों में से कौन है जो प्रदूषण फैलाता है। तो डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। तो जो इसमें हाइड्रोजन होता है वो ग्रीन एनर्जी के तहत होता है और ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, ना के बराबर प्रदूषण फैलाने वाला ये तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार जो पंडा है
पाया जाता है। जो पौंडा होता है ये संकट ग्रस्त जंतु है, तो ये कहाँ पाया जाता है ये प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो पौंडा जितने भी टाइप के होते हैं अधिकतर चीन ही में पाए जाते हैं। आपने कुंभ पौंडा देखी होगी तो वही होता है, तो वो चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसोनाइड। तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो आप जानते हो भारत में सर्दियों के मौसम में, जापान में सर्दियों के मौसम में, अमेरिका में भी सर्दियों के मौसम में क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर जो क्रिसमस होता है गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है। तो इसका अत्यंत का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। तो किसी भी एक्शन प्लान को जो स्वच्छता संबंधित होता है उसका लाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाई जा सके। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा जो एक्शन प्लान है वो जल की गुणवत्ता को बढ़ाने का इसलिए बढ़ाए इसलिए इस प्लान को लाया गया था। ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। अर्थात जो प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक उत्पादन करता है, अर्थात जो एंटीसेप्टिक होती है वो कौन सा उत्पादन करता है। तो हमारे हैं ये जो हमारा नीम होता है, नीम का जो पेड़ होता है ये जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भूपारिस्थितिकी जियो इकोसिस्टम तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है सूर्य है, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो आप सभी को जानते होंगे पृथ्वी, चंद्रमा और शुक्र इनका स्वयं का प्रकाश ही नहीं होता, तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं हो सकते हैं। तो भूपारिस्थितिकी में मुख्य रूप से सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके कारण ऊर्जा पहुंचती है हर जीव जंतुओं के पास तक। तो इसे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती है? तो अर्थात ऐसी कौन सी वनस्पति है जो मरुस्थली अर्थात रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है महोगनी, फर, चंदन या कैक्टस। तो आपको पता होगा जो मरुस्थल में अर्थात रेगिस्तान में कैक्टस का पेड़ पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है कैक्टस का पेड़। इसके जो जो ये तने होते हैं बहुत ही मांसल होते हैं अर्थात गूदेदार होते हैं, हम यहीं से पानी से प्राप्त करते हैं, और जो पत्तियां होती हैं कांटों के रूप में होती है। ये कुछ कैक्टस पेड़ के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो जो टाइटन है ये एक प्राकृतिक उपग्रह है शनि ग्रह का। जो सैटर्न होता है वो टाइटन इसका मुख्य प्राकृतिक ग्रह है, और शनि का सबसे बड़ा ग्रह भी टाइटन ही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जैट्रोफा, गन्ना, आलू। तो आपको पता होगा कपास से कोई डीजल नहीं बनता, गन्ना से भी कोई डीजल नहीं बनता, आलू से भी कोई डीजल नहीं बनता। तो बच्चा यहाँ पर कैसा, जैट्रोफा। ये जैट्रोफा ही एक ऐसा है कि जिससे बायोडीजल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1982, 1986, 1992, 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो जो वनों में वृद्धि होगी तो हमारी जो ऑक्सीजन है अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, तो उससे तापमान नहीं बढ़ेगा, तो ये तो होगा नहीं। जो हिमनदों में वृद्धि है ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किसी चीज को गर्म करने का काम करती है। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य रूप से कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे शीतोष्ण, पर्पाती,
वन बायोम में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में या सवाना बायोम में। जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है शीत भी होता है थोड़ा वो गर्म भी होता है, अर्थात मध्यम टेम्परेचर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में सदाबहार अर्थात जो सदैव के लिए बाहर रहें अर्थात हरे भरे हरे भरे रहें, और वर्षा वन जहाँ पर वर्षा अधिक होते हैं ऐसे बायोम अर्थात ऐसा वातावरण। तो ऐसे वातावरण में जो जहाँ पर हमेशा सदा हरियाली बनी रहती है, तो ऐसे वन में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी। कारण इसका कारण ये होगा जब वहाँ पर सदैव बारिश उपस्थित रहेगी और ये जो जंगल होंगे हरे भरे रहेंगे, तो जो वहाँ पर जीव जंतु होंगे उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, जिसके कारण उन जीव जंतुओं की संख्या भी बहुत अधिक होगी अर्थात जैव विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे जिससे जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। जैसे कि अमेजन का जंगल हो गया, जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो जंगल जंगल होते हैं वो क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं। यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, जैसे कि अमेजन का जंगल हो गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ वो भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा से होता है। लावा का अर्थात जो जब ज्वालामुखी फटता है तो वो क्या अपने साथ जो गर्म गर्म तरल रूप में होता है वो लावा उसका कहलाता है। तो इससे बनने वाली मिट्टी कौन सी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेलाइट मिट्टी। तो जो लावा से मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी होती है। याद करने के लिए जब हमको जलाते हैं तो राख बनती होती, जब राख बनती है वो काफ़ी हद तक काली ही होती है, तो काली से ही काली मिट्टी हमको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को प्रकाश की सतह पर आने से रोकती है। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो जो समताप मंडल है, समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर के मध्य में पूरी समताप मंडल की एवरेज जो ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर के हम रेंज में लेते हैं, तो 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में एक परत पाई जाती है जिसका नाम होता है ओजोन परत। तो ओजोन परत का काम क्या होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनको रोकने का काम करती है ओजोन परत, अर्थात जीवन रक्षक जो परत कही जाती है ओजोन परत होती है, जो हम सभी प्रकार के जीवधारियों प्राणियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने रोकती है वो समताप मंडल होता है, क्योंकि इसी समताप मंडल में ओजोन मंडल या ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। अर्थात रमेश जो है कक्षा 5 का विद्यार्थी है, जो उसके जो ईवीएस है जो शिक्षक काम देते हैं वो काम करके नहीं लाता है, तो उसकी ये गंदी जो आदत है इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, ऑप्शन बी है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन सी है उसकी अनियमितताओं के कारण को जांचकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ऑप्शन सी है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही नम्रता का प्रयोग किया जाता है, ना किसी बच्चे को मारा कूटा जाता है ना ही उसको सीधे तौर पर कोई गलती बताई जाती है। ये हमारी क्या है NEP 2020 कहती है। तो जो हमारा है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, इससे बच्चा और रुष्ट होगा, वो और गलतियाँ करना शुरू कर देगा। जो ऑप्शन डी है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना, इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होने वाले हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है, हम बच्चे की जब कमी को जान जाएंगे तो हम उसकी कमी के अनुसार उसका सही मार्गदर्शन कर देंगे, जिसके कारण बच्चा प्रोत्साहित हो जाएगा और कार्य को उचित तरीके से करके लाने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों के शहर लेक सिटी कहलाता है, अर्थात मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो कि लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। जो भोपाल है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में झीलें पाई जाती हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, तो इसलिए अब यहाँ पर झीलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हम इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है
उसकी सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो जो छात्रों का विश्वास होता है वो किसी शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि के रूप में मानी जाती है। जब बच्चा आप पर विश्वास करता है तो आप पर हर चीज़ पर विश्वास करेगा और आपके हर एक कहे गए कथनों पर विश्वास करके वो अपना विकास करता है। इसलिए जो छात्रों का विश्वास ही किसी शिक्षक के लिए बहुमूल्य निधि का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक, अर्थात कोई हमारी परिकल्पना है, अर्थात कोई विचार है या फिर हमने कोई थ्योरी दी है, तो उसको हम बार बार जब परीक्षण करते हैं तो उसमें हमको कोई भी गलती नहीं मिलती है, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो हमारा एक सिद्धांत हो जाता है। अर्थात जब उसमें कोई गलतियां नहीं रहती, कोई भी परिकल्पना थ्योरी में जब कोई गलतियां नहीं रहती तो वो एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो 25 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख है, और दिया गया कार्य या विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं सूत्रलेख। तो कोई भी शिक्षण विधि हो जिसमें बालक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपको हमेशा एक पॉइंट याद रखना है कि जिसमें बालक या बालिकाएं जो हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वही सबसे अच्छी शिक्षण विधि कही जाती है। तो यहाँ पर जो विचार गोष्ठी है इसमें बालक व्यस्त रहता है, और जो कार्य योजना है अर्थात जो कार्य करते हैं, कार्य पढ़ाने की योजना, इसमें बालक को कैसे पढ़ाया जाए बालक भी एक्टिव रहता है, तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो 26 का जो सी है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस उसे गैस कहते हैं जो किसी वातावरण में टेम्परेचर अर्थात ताप में वृद्धि करती है, तो वो हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो वही हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने का काम करती है, तो वो भी हमारी एक ग्रीन हाउस गैस के तहत कार्य करती है। मीथेन जो होती है CH4, ये भी हमारी एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो हीलियम है एक कोई एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारे प्रश्न अनुसार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जूल द्वारा, डेसिबल द्वारा, न्यूटन द्वारा, नैनो इकाई द्वारा। तो जूल द्वारा हम कार को मापते हैं, न्यूटन द्वारा हम बल को मापते हैं, नैनो इकाई दूरी को मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण मापने का जो यंत्र होता है उसे डेसिबल द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम ताप्ती की बात करें, ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती है। आपको जो नदियों के बारे में है ज्ञान होना चाहिए, यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच है बहकर, वो भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी है ये भारत से निकलकर पाकिस्तान से होते हुए ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। लेकिन जो सुवर्णरेखा जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमारा 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवर्णरेखा। हमारा आज का अंतिम में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। तो लेपीज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात, यू आकार की घाटी। तो जो जलप्रपात होता है यहाँ पर हिमानी बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो पानी है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जलप्रपात एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ये तो पूर्णतः ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हिमानी और जलप्रपात से कोई संबंध नहीं है। जो वी आकार की घाटी होती है वो नॉर्मल पहाड़ों में या पर्वतों में पाई जाती है। जैसे एक ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये वी आकार की घाटी बन जाती है। लेकिन जो यू आकार की घाटी होती है, जैसे कोई पहाड़ है, वी आकार की घाटी होती है नॉर्मल पहाड़ों में पाई जाती है जहाँ पर बर्फ नहीं होते। कुछ इस प्रकार के पहाड़ होते हैं, तो ये देखो ये वी बन चुका है, तो ये हमारी वी आकार की घाटी कहलाई जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ के पहाड़ की बात करें, तो पहाड़ तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब बर्फ गिरती है तो ये धीरे धीरे बर्फ क्या होती है यहाँ पर आके जमा हो जाती है। तो ये क्या जमा हो जाती है, तो कुछ इस प्रकार यू का आकार ले लेता है, ये यू का आकार ले लेता है। तो हिमानी द्वारा अर्थात बर्फीले इलाकों में जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो क्या यू आकार की घाटी उसमें आ जाती हैं। अन्य भी स्थलाकृतियाँ होती हैं, लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू आकार की घाटी।
आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे प्रीवियस ईयर प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लास लाता रहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी टेट के यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।